Hello everyone. So in this video, in this lecture, we will be talking about lens and we are starting a new topic, that is lens. In the last video, till the last video, what we have covered the whole refraction part. Refraction wala part pura complete ho chuka hai. Yahan se lens start karenge. तो इस पूरी वीडियो में हम लेंस का डिस्कशन करेंगे और इस पूरी वीडियो में एक लंबी सी वीडियो रहेगी जिसमें पूरा लेंस खत्म हो गया। तो स्टार्ट करते हैं भाई, लेंस टॉपिक लिख लेते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि भाई लेंस कौन कौन से होते हैं। तो प्राइमरली जो हम लेंस पढ़ेंगे वो हमारे होंगे कॉन्वेक्स लेंस होंगे और कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, आपने बचपन में क्या पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, किनारों से तो पतला होता है, बीच में मोटा होता है, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। और कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। अब देखिए, हमारे कॉन्वेक्स लेंस में भी एक्चुअली कई प्रकार के होंगे। जैसे पहला हमारा है बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलने का मतलब क्या है, ये वाला जो लेंस है ना, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, इसमें दो सर्फेसेस, स्फेरिकल सर्फेसेस आपको दिखेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये वाली सर्फेस का कुछ रेडियस मान लेते हैं आर वन है और ये वाली सर्फेस का कुछ रेडियस आर टू। अब मान लीजिए अगर R1 R2 बराबर होते हैं तो इसी बाई कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बोल देते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ओके, यही बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या बन जाएगा, हमारा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट टाइप आ गया हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सर्फेसेस का बराबर है तो उसी लेंस को हम लोग बोल देंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। भाई इसी में सेकेंड टाइप ले लेते हैं हम लोग, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, एक सरफेस प्लेन ले लो और एक सरफेस अपनी कॉन्वेक्स टाइप ले लो, ये क्या हो गया, एक सरफेस अपनी इस तरीके से ले लो, तो ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स। अच्छा, प्लेन वाली सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना वो इनफाइनाइट होता है और इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो ये हमारा हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे टाइप पर, तीसरा है हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है, ये देखिए ध्यान से, इस तरीके से हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा लेट से आर टू, इसका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा लेट से आर वन। तो ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस में तीन टाइप आ गए। अब इसी प्रकार से एक्चुअली कॉनकेव लेंस में भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में, तो फिर से तीन टाइप कैसे कैसे होंगे वो देख लो। यहाँ पे पहला तो हो जाएगा बाई कॉनकेव लेंस, वो तो हमारा स्टैंडर्ड कॉनकेव लेंस जो हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वैसा कुछ दिखेगा, ये हमारा बाई कॉनकेव लेंस हो गया। इसमें भी ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से आर वन है और ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू है, और अगर फिर से आर वन आर टू बराबर होगा तो इसी लेंस को हम क्या बोल देंगे, इक्वी कॉनकेव लेंस, इक्वी कॉनकेव लेंस। ओके, सेकंड आ गया हमारा प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस। एक सरफेस प्लेन ले लीजिए और एक सरफेस आप कॉनकेव वाली ले लीजिए, तो इस तरीके से आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस ये बन जाएगा। ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन इनफाइनाइट होगा और ये वाला कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा। फिर नेक्स्ट है कॉनवेक्सो कॉनकेव, कॉनवेक्सो कॉनकेव लेंस। यहाँ पे कैसा होगा वो देख लीजिए, यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये और इस तरीके से ये, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, कॉनवेक्सो कॉनकेव। तो हमने तीन टाइप देख लिए कॉनकेव लेंस के और तीन टाइप देख लिए कॉनवेक्स लेंस के। नेक्स्ट पार्ट है अब हमारा, दैट इज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस। अब देखिए, कन्वर्जिंग लेंस क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी लेंस है तो यहाँ पे लाइट आई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सब क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, तो ऐसे लेंस को हम कन्वर्जिंग बोलेंगे। और मान लीजिए हमने लेंस रखा, लाइट आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज हो गए, तो ऐसा लेंस हमारा डाइवर्जिंग कहलाएगा। अब आपने बचपन में क्या पढ़ा होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना जी, वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, बट इट इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू, ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है।
इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू. क्यों नहीं है, अभी बात करते हैं. तो अब बात क्या है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है, उसकी बात हम लोग कर सकते हैं. तो एक कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉनकेव भी हो सकता है. ठीक है, कॉमनली जो जनरली होता है ना, जनरली जब भी हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करते हैं, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. जनरली जब हम कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं और कुछ चीजें डिफाइंड नहीं है, तो फिर वहां पे हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग मान सकते हैं, और जो हमारा डाइवर्जिंग लेंस होगा उसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं. बट ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है. अभी क्यों नहीं है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा. लेकिन लेंस को हमने किस मीडियम में रखा है ये डिपेंड करता है. मान लीजिए लेट लेंस इज प्लेस्ड इन एयर. मान लीजिए लेंस को हमने एयर में रखा है. ठीक है, लेंस को अगर एयर में रखा है तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा वो हमारा कन्वर्जिंग होगा. ये अब कंप्लीटली ट्रू, वो आपके हमारा कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा. और जो कॉनकेव लेंस होगा वो डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा. डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया जब हमने लेंस को एयर में रखा है. तो दूसरा हो गया इफ लेंस इज प्लेस्ड इन अदर मीडियम. इफ लेंस इज प्लेस्ड इन अदर मीडियम, मान लीजिए किसी दूसरे मीडियम में रखा है लेंस को, तो फिर इस केस में उल्टा हो जाएगा. जो कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग जैसा बिहेव कर रहा था, अब वो डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा. और जो हमारा कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग जैसे बिहेव कर रहा था, अब वो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा. तो यहाँ पे ये डिफरेंस है. और ऐसा क्यों होता है ये अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे. नेक्स्ट टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला. अब लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली इसको हम यूज करते हैं टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस. लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं. फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए. अच्छा, ये जो हम लोग फॉर्मूला वगैरह पढ़ रहे हैं ये थिन लेंस के लिए पढ़ रहे हैं. जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना थिन लेंस के लिए पढ़ रहे हैं. थिन लेंस का मतलब क्या हो गया, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस जो है बहुत पास है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है नेग्लिजिबल है. ठीक है, तो थिन लेंस का मतलब ये हो गया. और दूसरा कंसिडरेशन सारे फॉर्मूलों में हमारा पेरेक्शियल रेज को लेके है. पेरेक्शियल रेज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, पेरेक्शियल रेज का मतलब है विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे मान लीजिए ये हमारा लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम लोग बहुत करीब प्रिंसिपल एक्सिस के रेज को इंसिडेंट करा रहे हैं. ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले की. ये फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं. 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इनटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2. या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू एन रिलेटिव. क्योंकि मैंने बहुत बार एन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते. अब यहाँ पे कौन क्या है, एन रिलेटिव क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस. लेंस का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. एफ हमारा है फोकल लेंथ ऑफ लेंस. और आर वन आर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑफ कर्व्ड सरफेसेस ऑफ लेंस. तो लेंस के जो कर्व्ड सरफेसेस है उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर है. यहाँ पे आर वन आर टू को विद साइन रखा जाएगा फॉर्मूले में. ये भी साइन के साथ निकल के आएगा. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एन रिलेटिव इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या सराउंडिंग. ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर्मूला. मान लीजिए इफ मीडियम इज एयर, मान लीजिए मीडियम क्या है हमारा एयर है, तो
तो उस केस में मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 हो जाएगा, और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब इफ मीडियम इज एयर, मान लेते हैं हम मीडियम हमारा क्या है, एयर है जहां पे लेंस को रखा गया है, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू लेंस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2, फिर हमारा ये फॉर्मूला इसमें रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एन लेंस भी लिख सकते हो, जो भी आप सिंबल यूज करना चाहो। ठीक है, तो ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला बन गया अगर मीडियम एयर होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मीडियम आप लोगे वो एयर ही होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला रिड्यूस होके आ जाएगा। अब देखिए, जो मैंने अभी पहले आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर मान लीजिए इफ मीडियम इज एयर, मान लेते हैं मीडियम हमारा एयर, तो एयर है तो जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। मान लेते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस ले लिया हमने, ठीक है जी, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, तो इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन ये रहा, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू ये, फॉर्मूला होगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू एन रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। ठीक है, ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फॉर्मूला निकल गया। अब जो देखिए, इस वाले साइड को हम अभी भी नेगेटिव मानेंगे और इस वाले साइड को हम अभी भी पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, तो ये वाला सरफेस का जो सेंटर आएगा वो इस साइड आएगा कुछ, तो आर 1 का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और आर 2 का जो वैल्यू होगा, मतलब इस वाली सरफेस के लिए सेंटर इधर होगा इधर, तो इस वाली सरफेस का सेंटर अगर इधर है तो आर 2 का वैल्यू ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे, तो ये वाला पूरा फैक्टर क्या मिल गया हमको, ये पूरा फैक्टर ही पॉजिटिव हो गया। सो अगर हम बात करें 1 अपॉन f की, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये कैसे डिफाइन करेंगे, n रिलेटिव माइनस 1 का वैल्यू। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं n लेंस माइनस 1 लिख दूं, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पक्का है, एक से तो बड़ा ही होगा, ग्लास के मटेरियल से बना होगा, तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होगी ये एक से बड़ी होगी, तो एक से बड़ी में से एक घटाएंगे तो ये वाला भी वैल्यू मेरे को क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहां से इसका मतलब फोकल लेंथ भी मेरी क्या निकल के आई, पॉजिटिव। तो याद एक चीज रखेंगे, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इफ एफ बराबर पॉजिटिव, देन लेंस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, इस चीज को याद रख लेंगे। ओके, तो वही चीज तो हमने देखी, अगर हमने मान लिया कि मीडियम भाई एयर है, तो हम कॉन्वेक्स लेंस का, बाई कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, फोकल लेंथ वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर मीडियम एयर होगा तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस, उसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोल देंगे, है ना। अब ऐसे ही मान लीजिए हम कॉनकेव ले लेते हैं, चलो ये कॉनकेव ले लेते हैं, मीडियम हमारा अभी भी क्या है, एयर, मीडियम अभी भी हमारा क्या है, एयर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एन लेंस माइनस 1 इंटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2, ये आर 1 है ये आर 2 है। ठीक है, अब इसका सेंटर तो इधर होगा, इसका मतलब आर 1 का जो वैल्यू आएगा वो तो नेगेटिव आएगा, और आर 2 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये वाला नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी पूरा तो नेगेटिव ही है। ठीक है, तो ये पूरा फैक्टर नेगेटिव हो गया। ओके, सो 1 बाय f इज इक्वल्स टू एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में नेगेटिव। अब यहाँ पे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक से बड़ा ही होगा, तो ये बात पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और यहां से जो फोकल लेंथ का वैल्यू आना चाहिए वो नेगेटिव आ जाएगा। तो अब फिर से अगर मान लो फोकल लेंथ का वैल्यू नेगेटिव आता है तो लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। ओके, ये लेंस हमारा डाइवर्जिंग हो गया, इसीलिए कॉनकेव लेंस अगर एयर में रखा है तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस कहलाएगा। ठीक, लेकिन मान लीजिए मीडियम हम बदल देते हैं, सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एन रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये तो पॉजिटिव ही था, कॉन्वेक्स लेंस के लिए
ठीक है। अब n रिलेटिव क्या हो जाएगा, n लेंस अपॉन n मीडियम माइनस वन, ठीक है। अब यहां पे ये वाला फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला फैक्टर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये वाला फैक्टर नेगेटिव। अगर मान लीजिए पॉजिटिव होता है तब तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा और उस केस में कौन कौन कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग बोलेंगे, लेकिन मान लीजिए नेगेटिव आ जाता है ये वाला फैक्टर, तो फिर उस केस में कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक जो पॉइंट लिखा था हमने, ये वाला पॉइंट, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन अदर मीडियम कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ये दोनों हो सकता है ना, खाली डाइवर्जिंग नहीं, और ये भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक है। लेकिन जब एयर में रखा हुआ तो पक्की बात है कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग, और कॉनकेव लेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज। कहने का मतलब है अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो डाइवर्जिंग, ओके। अब मान लो कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, मान लेते हैं हम कि कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या है, कन्वर्जिंग। तो एक्चुअली में वो क्या करेगा, अगर कन्वर्जिंग होगा तो जो भी पैरेलल लाइट आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगा, कन्वर्ज करा देगा, ठीक है। लेकिन मान लो कॉन्वेक्स लेंस कैसा हो गया, डाइवर्जिंग नेचर का हो गया, तो फिर ये लेंस क्या करेगा, जो भी पैरेलल लाइट आ रही होगी उसको ये क्या करेगा, फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। ऐसे ही अगर मान लो कॉनकेव कन्वर्जिंग हो गया, कॉनकेव लेंस क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया, तो क्या कर देगा, ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा। और अगर कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग हो गया तो यही लेंस क्या करेगा, लाइट को फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। इस केस में ये डाइवर्जिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यह है 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस और इसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर और जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 3/2, ठीक है, प्लेस्ड इन एयर। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर्मूला इज 1 बाय एफ इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू, रखते हैं 3 बाय 2 माइनस 1 एयर में रखा है, 1 बाय आर वन, आर वन कितना लेंगे हम यहाँ पे, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इधर है, तो 1/20 माइनस, और ये इस दूसरे वाले का सेंटर इधर आएगा तो नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, माइनस 1/30, ठीक है। तो ये 1/2 इस ब्रैकेट में आ गया, 1/20 प्लस 1/30 आ गया, दैट इज 1/2, 50 अपॉन 20 इंटू 30। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 5/120, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/24 इज इक्वल्स टू 1/f, जो f का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 24 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारा कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन में दे रहा होता, सेम क्वेश्चन मैंने कॉनकेव के लिए दिया होता, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अगेन 3/2 है, आपको करना क्या है, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। सेम फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू एन माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2 करना है, सो n का वैल्यू है 3/2 माइनस 1, आपकी 1/r1 ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1/20 माइनस, और ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, फिर 1/30 आ गया, ठीक है। सो यहाँ से आ गया 1/2 इंटू माइनस 30
माइनस 20 अपॉन 600, तो ये माइनस 50 बाय 600 इंटू 1 बाय 2, सो यहां से क्या आ गया माइनस 1 बाय 24, सो यहां से फोकल लेंथ कितना हो गया माइनस 24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ माइनस में इसका मतलब लेंस कैसा हो जाएगा हमारा, डाइवर्जिंग नेचर का लेंस हो जाएगा, और ऊपर वाले केस में फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव आया था इसका मतलब वो कन्वर्जिंग नेचर का लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब से मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन दे दूं इसी पर, मान लीजिए ये प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्केव लेंस है हमारा इस तरीके से, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अगेन 3/2 ले रहे हैं, कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ को। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, सब एयर में रखे 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। अब देखिए आर 1 का वैल्यू तो 20 है, तो उसको रख देते हैं 3 बाय 2 माइनस 1, माइनस पे रखेंगे जो सेंटर इधर आएगा, इधर आ रहा है सेंटर, सो माइनस 1 बाय 20 माइनस, अब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है मैंने बता रखा है इनफाइनाइट होता है, तो 1 बाय आर इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 20, दैट इज माइनस 1 बाई 40 इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, सो एफ का जो वैल्यू आया दैट इज माइनस 40, सो यहाँ से फोकल लेंथ कितना हो गया हमारा माइनस 40 सेंटीमीटर। ओके, माइनस में आया इसलिए कैसे नेचर हो जाएगा, डाइवर्जिंग नेचर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा ही क्वेश्चन हम प्लेनो कॉन्वेक्स के साथ भी बना सकते थे, एक सेकेंड, ऐसा ही क्वेश्चन हमसे, यहाँ पे इसका आर 20 सेंटीमीटर ले लीजिए, इसका आर इनफाइनाइट हो जाएगा, और फॉर्मूला लगा दीजिए 1 बाय एफ इक्वल्स टू एन माइनस 1 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे अगर आप, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 3 बाय 2 माइनस 1 1 बाय आर 1, आर 1 की वैल्यू इधर आएगा सेंटर तो पॉजिटिव रखेंगे, 1 by 20 और इसका तो 1 by infinite है तो 0 ही हो जाएगा, तो सिंपल सा ही आ गया 1 by 2 into 1 by 20 that is 1 by 40, तो f का जो वैल्यू आ गया वो आ गया प्लस 40, मतलब कन्वर्जिंग नेचर हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आया सीधे इस पर कि हमारे पास इफ वी हैव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कैलकुलेट फोकल लेंथ। अच्छा, जब कुछ भी नहीं दिया होगा तो हम एयर भी मान लेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस यहां पे दिया है 3/2, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर बहुत इजी इसका सोल्यूशन भी है, 1 by f equals to n minus 1 1 by R1 minus 1 by R2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 by 2 minus 1 1 by R1, मतलब 1 by 20, ये देखिए ये इक्वी है, ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस 1 by 20, तो यहाँ से आएगा 1 by 2, ये आ जाएगा 2 by 20 1 by 10, तो ये आ गया 1 by 20 1 by F, सो यहाँ से जो f का वैल्यू आया दैट इज 20 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग नेचर। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं यहाँ पे, और आपसे फोकल लेंथ पूछ सकता है। ओके, तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस
find the radii of curvature if refractive index of lens is 2. ये हमारा क्वेश्चन है, दैट इज 50 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस इज इक्वल टू डबल दैट ऑफ अदर. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जब हम पाई कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, अगर इसको हम आर वन बोल रहे हैं, इसको आर टू बोल रहे हैं, तो विद साइन ये आर वन और आर टू ऑपोजिट साइन के होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक माइनस लगा दिया. ठीक है, मतलब आर वन का साइन अगर पॉजिटिव तो आर टू का नेगेटिव होगा, इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक माइनस लगाया गया. अब क्या करना है, मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है 2, तो फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे, 1 बाय एफ इज इक्वल टू एन माइनस 1, 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2. सो दिस इज 2 माइनस 1, 1 बाय 50, 1 बाय आर 1, आर 1 की वैल्यू माइनस 2 आर 2 रख देते हैं, माइनस 1 बाय 2 आर 2, माइनस 1 बाय आर 2. तो यहाँ पे जो आएगा हमारा वैल्यू 1 बाय 50 इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 3 बाय 2 आर 2, ये आ जाएगा. और ये 2 से ये 50 कट जाएगा, 25, और यहाँ से R2 का जो वैल्यू आएगा दैट इज माइनस 75 सेंटीमीटर. ठीक है, R2 का वैल्यू क्या आया, माइनस 75 सेंटीमीटर. ओके, ये चीज आ गई. चलिए अब R1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो R1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, R1 इज इक्वल टू क्या, माइनस 2 R2, तो माइनस 2 इंटू आर 2, आर 2 का वैल्यू है 75, सो ये आ जाएगा माइनस 150 सेंट, माइनस 75 है, सो आ जाएगा प्लस में 150 सेंटीमीटर. तो आर 1 का जो वैल्यू है वो 150 सेंटीमीटर है, और आर 2 का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो कन्वेंशन वाइज है 75 सेंटीमीटर. तो ये हमारे दो आंसर हो जाएंगे रेडियाई ऑफ कर्वेचर के लिए. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल स्टडी विद अ very important topic in lens. By the way, it is lecture number 5 for lens. Lecture number 5 में हम लोग बातें करेंगे focus के बारे में, sorry, focus of lens. देखिए lens में दो प्रकार से हम लोग focus define करते हैं. One is primary focus और दूसरा है हमारे पास secondary focus. ये हमारे पास दो प्रकार से फोकस होते हैं. सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे प्राइमरी फोकस की. देखिए हम एक सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं यहां पर, और यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है, इसको मैं ए नाम दे देता हूं अभी के लिए. यहां से मैं इंसिडेंट रे इस कॉन्वेक्स लेंस पर गिराता हूं, और मैं देखता हूं आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ना, रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो पैरेलल हो जाती है. वापस से रिपीट कर रहा हूं उस लाइन को. कोई एक पॉइंट है, वहां से मैं इंसिडेंट रेज निकालता हूं, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रेज हैं, रिफ्रैक्टेड रेज हैं, वो पैरेलल हो जाती हैं. तो उस केस में ये जो मेरा पॉइंट है ए, इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी फोकस. आप कहने का मतलब समझे? कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है. इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सच दैट की रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल हो जाए. वापस से बोल रहा हूं, प्राइमरी फोकस क्या होगा, मैं देखिए यहां पर इस चीज को लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ, थोड़ा सुंदर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अप्रिशिएट करना कमेंट बॉक्स में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज सच दैट, अच्छा कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं सफल हो पाऊंगा कि नहीं, देख लेते हैं, सच दैट रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सिंपल सी बात होगी. ये तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिफाइन कर दिया, अब इसी प्रकार से हम कॉनकेव लेंस के लिए भी डिफाइन कर देते. अच्छा थोड़ी ड्राइंग खराब है ना मेरी, तो थोड़ा माफ करना मुझे अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन जाती है. देखो
हमें क्या करना है ना, रिफ्रैक्टेड रेज ना पैरेलल रखनी है. ओके, रिफ्रैक्टेड रेज कैसी रखनी है? पैरेलल रखनी है. तो ये हमारी मान लीजिए पहले रिफ्रैक्टेड रेज ही बना लेते हैं, तो ये पैरेलल हो गई. अब जो हमारी इंसिडेंट रेज होंगी ना, वो इस तरीके से आएंगी, इस तरीके से, ऐसे करके बना लेते हैं. तो इंसिडेंट रेज ये हो गई और रिफ्रैक्टेड रेज हमारी पैरेलल है. तो इंसिडेंट रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, वो कुछ ऐसे हो जाएगा यहाँ पे. अभी हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? ये हमारा हो गया प्राइमरी फोकस. किसके लिए? मनी में बोल दो, प्राइमरी फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस. समझ आया ना तुम लोग को? सिंपल सा है ना प्राइमरी फोकस. कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी डिफाइन कर दिया और कॉनकेव लेंस के लिए भी डिफाइन कर दिया. अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी फोकस की. सो वापस से एक प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस हमने बना दिया, ठीक है. अब देखो क्या है ना, इंसिडेंट रेस को आप पैरेलल रखो, इंसिडेंट रेस को हम पैरेलल रखेंगे और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? इट्स 22 आवर्स आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये हमारी रेज रिफ्रैक्ट कर गई. तो रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टेड रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी फोकस. सिंपल है ना? ठीक है, सिंपल तो है. ओके, वेरी सिंपल. सो यहाँ पे क्या बात करेंगे, अगर मान लो सेकेंडरी फोकस को आप डिफाइन करना चाहते हो, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज. आर आर का मतलब है रिफ्रैक्टेड रेज, सच दैट इंसिडेंट रेज आर अच्छा. स्टार्टिंग में तो कोशिश करते हैं कि चलो ना बड़ी बढ़िया बढ़िया राइटिंग लिख लेंगे. मतलब ऐसा नहीं होता कि अभी आपने टाइम टेबल तो बनाया, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करेंगे और उसके बाद हो सकता है एक भी दिन ना गुजरे उसके बाद तो काम फिनिश. तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है. स्टार्टिंग में तो मैंने प्रण लिया कि आज बहुत सुंदर लिखूँगा, उसके बाद 5 मिनट भी नहीं गुजरे आ गया उसी पर. तो ये हमारा हो गया कॉनवेक्स लेंस के लिए सेकेंडरी फोकस, ठीक है. अच्छा ये कमेंट बॉक्स में बनाना, ये इंटरैक्टिव है ना, मतलब अभी तो तुमसे थोड़ा बहुत बातें भी कर रहा हूँ. मैं देखता हूँ अगर खाली खाली पढ़ाने वाली वीडियो रहती है तो बच्चे शायद बोर हो जाते हैं. एक बार देखना बताना कि ऐसे क्या तुम्हें सही लग रहा है कि नहीं. चलिए तो अब हम बात बना देते हैं. हमारा ये आ गया कॉनकेव लेंस, ठीक है. कॉनकेव लेंस बना दिया हमने. अब भाई इंसिडेंट रेज को तो हमें पैरेलल रखना ही है, ये हमने इंसिडेंट रेज पैरेलल रख दी. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये रेज को डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर दिया इसने. आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट निकल के आया है हमारा सेकेंडरी फोकस. सिंपल है ना, देखो कितना सिंपल. किसका सेकेंडरी फोकस? कॉनकेव लेंस का. कॉनकेव लेंस का सेकेंडरी फोकस हो गया, है ना, बहुत सिंपल है. तो हमने फोकस डिफाइन कर लिया, प्राइमरी फोकस डिफाइन कर लिया और सेकेंडरी फोकस डिफाइन कर लिया. अच्छा यहाँ पर ना पते की बात बताता हूँ तुम्हें. देखो पते की बात क्या है, एक्चुअली मैं ये बहुत अच्छा बना है कॉन्वेक्स लेंस. हमारे कॉन्वेक्स लेंस है ना ये, इस तरीके से थोड़ा ना सही कर लेते हैं यार, कुछ ज़्यादा ही ख़राब बन गया. तो कॉन्वेक्स लेंस बन गया ये, ठीक है. अब यहाँ पे ना हमारा प्राइमरी फोकस है और यहाँ पे ना हमारा सेकेंडरी फोकस है. अच्छा ये जो लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ कहलाती है और ये लेंथ भी फोकल लेंथ ही कहलाती है, ठीक है. अगर मान लो इस साइड और साइड मीडियम सेम है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ना सेम हो जाएगी, इस चीज़ को याद रखना. ओके, वापस से अगर मीडियम इस साइड भी सेम है, जो इस साइड मीडियम है वही इस साइड मीडियम है, तो कहने का मतलब है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है. सपोज ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होगी, लेकिन वो कब होगी? जब मीडियम दोनों साइड सेम रहेंगे. सिमिलरली कॉनकेव लेंस के लिए भी बात यही है, ठीक है. अगर ये f है प्राइमरी फोकस, ये सेकेंडरी फोकस है, ठीक. ये प्राइमरी होगा डेफिनेटली, तो ये सेकेंडरी फोकस है ना. तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ पे भी क्या होगी? बराबर. कब?
जब ये और ये मीडियम दोनों सेम होंगे तो। क्लियर है ना? अच्छा एक और चीज़ है, लेंस में ना हम ज़बरदस्ती एक चीज़ करते हैं। अरे सीधा हो जा। ओके यहाँ पे एक फोकस एफ आ गया और ये फोकस ना 2F है, सॉरी दिस इज नॉट 2F, मतलब ये फोकस नहीं है, ये तो हमारा प्राइमरी फोकस हो गया। ओके ये हमारा प्राइमरी फोकस हो गया इस तरीके से। अच्छा प्राइमरी फोकस ये थोड़ी ना होगा, ठीक है हाँ प्राइमरी फोकस यही होगा, सॉरी ये प्राइमरी फोकस हो गया। मानो ये x डिस्टेंस है तो इसका डबल डिस्टेंस पे हमने एक जाके पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट, और इसको हम लोग 2f बोल दे रहे हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। आई होप समझ गए होगे तुम लोग, ठीक है इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, प्राइमरी फोकस देख लिया और सेकेंडरी फोकस देख लिया। क्लियर है ना ये प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस। अब यहाँ पे हम लोग कुछ हेडिंग लगाएंगे ऐसे, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, थ्रू ऐसे लेंस। ये तो हमने मिरर वगैरह में पढ़ा था है ना, इमेज फॉर्मेशन लेंस से। जैसे फर्स्ट रूल हमारा देखिए कितना सिंपल सा है, मान लीजिए हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे गिरा देते हैं इस तरीके से। तो ये जो आफ्टर रिफ्रैक्शन है ना, ये वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट से पास होगी और इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोल देंगे, सिंपल है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस आता, मानो हमारे पास कॉनकेव लेंस आता और पैरेलल रे गिरा देते यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या है ना आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे कुछ चली जाती और ये थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड कर देते तो ये वाला हमारा फोकस हो जाता। ये तो हमने अभी भी पढ़ा हुआ है, वेरी सिंपल ना। सो कोई भी पैरेलल रे गिराओगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसे जाएगी वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है आपको। सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो हमारे लिए ऐसे है कि चलो हम भाई कॉनवेक्स लेंस ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा बन रहा है बट इसको हम सीधा कर दे रहे हैं, जादुई ताकत है हमारे पास, देखो जस्ट अ सेकेंड। अरे यार ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना फोकस है। सो फोकस से अगर कोई इंसिडेंट रे निकालते हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, ओके सिमिलर टू दैट इन कॉनकेव लेंस भी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस तरीके से कोई एक रे इंसिडेंट कराते हैं और थोड़ा एक्सटेंड करने पर ये फोकस पे मिलता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला पॉइंट ये हो गया। थर्ड वाला पॉइंट तो बहुत ही सरल पॉइंट है, देखो कैसे, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, कुछ ज़्यादा ही ऊपर बन गया ये, ये सही है। अच्छा ये वाला जो पॉइंट होता है ना एकदम सेंटर वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर है, ओके। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, मैं अगर कोई एक रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट कराता हूँ तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी ऐसे गुजर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, क्लियर है ना पॉइंट। ऑप्टिकल सेंटर पे कोई रे इंसिडेंट कराऊंगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे ही चल जाएगी, सिंपल इसमें भी है कॉनकेव लेंस में भी है, ये हो गया। ऑप्टिकल सेंटर पे आप कोई रे को इंसिडेंट करा दीजिए, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे गुजर जाएगी, ये ठीक है, ठीक ही होगा, समझ ही आ गया होगा तुम्हें। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स का खूब इस्तेमाल करो यार, और सबसे पहले ना जाके वीडियो को लाइक करो यार, लाइक वाइक करते नहीं हो, मोटिवेशन तो बनता ही नहीं है, हमारा तो मोटिवेशन नहीं बनाते हो तुम, ठीक है लाइक करो वीडियो को। और भाई जो पहली बार देख रहे हो ना तुम, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो तो ही आगे बढ़ना, ठीक है वीडियो पॉज करो चैनल सब्सक्राइब करो उसके बाद आगे बढ़ना, ऐसे मज़े ले लेके मत पढ़ो। देखो तीसरा पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया है, रूल्स डिस्कस हो गए ना हमारे,
अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. कौन सा टॉपिक है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ इमेज. ठीक है, फोर लेंस. पता है इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो वाला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी. वो वाला टॉपिक है हमारा. सिंपल सा टॉपिक होगा. देखो कैसे है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर कॉनवेक्स लेंस. कॉनवेक्स लेंस के लिए, ठीक है, कॉनवेक्स लेंस. तो सबसे पहला जो हमारा केस होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे. ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है और हम देखेंगे इमेज कैसे बनेगी. ये हमारा हो गया प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, और ये हमारी हो गई प्यारी सी प्रिंसिपल एक्सिस. हमने ऑब्जेक्ट को रखा ना जी इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इंसिडेंट रेज कैसी आएंगी? इंसिडेंट रेज आएंगी हमारी पैरेलल, इस तरीके से कुछ. अभी पैरेलल बना दूंगा. देखो, देख रहे हो ना, जादू है मेरे पास इस तरीके से. और बस है ना. ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा ना, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे ऐसे क्रॉस कर जाएंगे ये इस तरीके से. अरे फोन बज रहा है. हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रेज है. यहाँ पे कहीं इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. अब ये जो इमेज बन रही है ना, एक्चुअली में ये ना, ये फोकस के नीचे बन रही होगी, ये जो फोकस है. और ये जो प्लेन में, जिस प्लेन में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये जो प्लेन है, लेट मी ड्रॉ दिस प्लेन इस तरीके से. क्या प्लेन बना रहा हूँ मैं. ठीक है, ये जो प्लेन है ना, ये इस तरीके से जो प्लेन बन रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल फोकल प्लेन. कौन सा प्लेन? फोकल प्लेन. ठीक है, फोकल प्लेन है ये. दिस इज नॉट एरोप्लेन. वाह, ठीक है, फोकल प्लेन बन गया. अभी फोकल प्लेन है क्या? इट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कंटेनिंग फोकस. भाई ऐसा प्लेन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इसके अंदर फोकस है. ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ना, वो कहाँ पे होगा? फोकल प्लेन पे. सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो हम इसमें ये बना लेते हैं, भाई इमेज जो होगी ना, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल प्लेन. वेरी सिंपल. अच्छा, इमेज बन कैसी रही है? देखो, ऑब्जेक्ट जो है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज नीचे बन रही है. इसका मतलब हम बोलेंगे इमेज इज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड कब यूज करेंगे? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ओके, अच्छा एक चीज और पता करनी है. जैसे इमेज मान लो छोटी है कि बड़ी बन रही है, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है. इसको हम यू बोल दें, यू, और इसको हम वी बोल दें. तो यहाँ पे वी बड़ा है या यू बड़ा है? ऑब्वियसली यू बड़ा है. तो U बड़ा होगा ना, तो इमेज जो है ना वो डिमिनिस्ड होगी. यहाँ पे तो हम बोलेंगे इमेज इज हाईली डिमिनिस्ड. ठीक है, इन्वर्टेड. अच्छा, रियल इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है कैसे पता करेंगे? जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? तो ऑब्वियसली कर रही है ना, तो यहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा. तो ये हमारी इमेज के बारे में कुछ बातें हैं जो हमने यहाँ पे बोली है फर्स्ट केस में. फर्दर मूव करते हैं सेकेंड केस के लिए. दूसरा वाला जो केस है उसके लिए मूव करते हैं. तो अब हमारे पास ये हमारा प्यारा सा, ठीक है, प्यारा सा जरूर बोलना. क्या लाइन बनाता हूँ मैं. ये हमारी प्यारी सी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई और हम ना ऑब्जेक्ट अब की रखेंगे. ऑब्जेक्ट इज कैप्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, नहीं, बियॉन्ड 2F के पीछे रख दे रहे हैं. ये F है ना,
और इस पॉइंट को हम 2f बोल रहे हैं। तो 2f के हमने पीछे रख दिया इस तरीके से। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया इस तरीके से। अब आपको खुद ही इमेज बनानी है, मतलब कैसे बनानी है, एक तो पैरेलल ही रे भेज दो, ये पैरेलल रे भेज दो इस तरीके से। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, ये फोकस से पास हो गई आफ्टर रिफ्रैक्शन। और एक कहाँ से भेज दो, एक 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 ऐसे भेज दो, चलो लो एक ऐसे फोकस से पास कराते हुए भेज दो इस तरीके से, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल कर दूं, ये हो गई पैरेलल, ठीक, आफ्टर रिफ्रैक्शन। माने यहां पे 2f है तो इमेज कहां पे बन रही है, नीचे ऐसे बनेगी, ये इमेज हो गई। इमेज कहां पे बन रही है, f और 2f के बीच में बन रही है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2f, तो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है इज बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में इमेज बन रही है। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, ऑब्वियसली ये u होगा हमारा, ये u होगा और ये हमारा v हो जाएगा, तो ऑब्वियसली u बड़ा है, सो इमेज इज डिमिनिस्ड, तब छोटी बनेगी साइज में, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, इमेज इज रियल, रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्वियसली इन्वर्टेड है, ठीक है, ये हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ओके, वेरी सिंपल ना, ऐसे ही बना लो तुम। तो मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जैसे तीसरा है, ऑब्जेक्ट हमने आपकी रख दिया है इज एट 2f, 2f रखो ऑब्जेक्ट को, बनाओ, टाइम मत वेस्ट करो बिल्कुल भी, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, तुम जल्दी बनाओगे मैं जल्दी बनाऊंगा, यहाँ पे देखने वाली बात है। अभी ये 2f है, ये f है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अच्छा एक्चुअली में क्या है ना, पढ़ाने का तो वही चीज़ सिनेरियो है, थोड़ा सा स्टाइल बदल रहा हूँ, देखूँ थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा कि नहीं आएगा बच्चों के लिए, तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है तो अच्छा है, घटिया लग रहा है तो भी अच्छा है, बता तो देना। यहाँ पे पैरेलल हमने एक रे भेज दी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा भाई, फोकस से पास करेगी इस तरीके से आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। और एक तो क्या करा दो, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करा दो, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो इस तरीके से। अभी थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे ना, यहाँ पे कहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा, दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। सो दिस इज फॉर्मिंग एग्जैक्टली एट 2f, सो इमेज जो बन रही है ना, इमेज इज एट 2f, 2f पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना। और क्या बोलोगे, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये भी है ना, तो इमेज इज सेम साइज्ड, इमेज इज सेम साइज्ड, ये दो पॉइंट हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इमेज इज रियल, ऑब्वियसली इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ बातें बोल ली इमेज के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ केस, फोर्थ केस क्या हो सकता है बोलो, f और 2f के बीच में रख देंगे, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है, तुम्हें बढ़िया लगा हो ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को, थोड़ा फैलाओ यार, मोटिवेशन मिले, ऐसे डीमोटिवेशन वाली जिंदगी अच्छी लगती नहीं है, समझ रहे हो ना, ऐसे कितना मतलब फैलाओगे तभी तो बात बनेगी। तो अभी तो 2f पे रख दिया ना अभी हमने, अब f और 2f के बीच में रख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ओके। तो ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, अरे समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक है, ओके। और दूसरी रे हम यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे,
ठीक है, इस तरीके से कुछ हो जाएगी मेरे पास। आफ्टर रिफ्रैक्शन थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करेंगे कुछ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये 2f है ना, तो बियॉन्ड 2f बनेगी इमेज जो है, ठीक है, इमेजेस बियॉन्ड 2f, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी? एनलार्ज्ड बनेगी, समझ में आ गया ना। ये तो हमारा u है और ये हमारा बड़ा सा क्या है, v है। इमेज एनलार्ज्ड बन रही है, ऑब्वियसली इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इन्वर्टेड है, इमेज रियल है। तो ये हमारी कुछ सारे पॉइंट्स हो गए इमेज के बारे में। फोर्थ पॉइंट आ गया। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट जो है ना, फिफ्थ पॉइंट में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, इज एट फोकस, ठीक है। तो ये खुद से बनाना, मैं बता दे रहा हूँ, इमेज हमारी बनेगी इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड, ये वाला तुम्हें सेल्फ एक्सरसाइज है, ठीक है, मतलब डू इट योर सेल्फ, ओके। और भाई इमेज जो है ना हाईली एनलार्ज्ड तो है ही, इन्वर्टेड तो है ही, ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। सिक्स्थ पॉइंट हमारा थोड़ा स्पेशल है, दिस इज स्पेशल पॉइंट। व्हाई दिस इज स्पेशल, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, जो मेरे अंदर कुछ कमियां वगैरह है ना, बताया करो, जब बताओगे तभी सही होगा, तुम ही तो बता सकते हो, तो कमियां बता दिया करो। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड और फोकस के बीच में रख देंगे, तो फोकस के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को ला के रख देते हैं और एक रे हम ऐसे पैरेलल निकाल देते हैं, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ना फोकस से पास करेगी ऐसे कुछ करके, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो ऐसे करके, ऐसे करके। तो अब देखो क्या होगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो पीछे, और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करो ऐसे करके, ये वाली जो रे, यहाँ पे कहीं मीटअप होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। इमेज, तो इमेज कैसी है, पहले तो वर्चुअल है, और बनकर ये इमेज इज फॉर्म्ड, बोलो कहाँ पर बन रही है, बट ऑब्वियस है पीछे बन रही है ना। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ 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 कॉन्वेक्स लेंस। सेम साइड का मतलब क्या है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज भी बन रही है, तो वर्चुअल हो गई। फिर इमेज इज एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, एनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इरेक्ट, इरेक्ट क्यों, समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी ऊपर है। सो ये सारे केस हो गए हमारे किसके, कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। अब फटाफट देख लो कॉनकेव लेंस के बारे में भी, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस के बारे में देखें, फर्स्ट फर्स्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कहां पर है, इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट भैया इन्फिनिटी पे है, तो इमेज हमारी होगी फोकल प्लेन पर, इमेज इज एट फोकल प्लेन, सिंपल सा बात है, बना ले। देखो ऐसे थोड़ा सा ना टेढ़े ही रखते हैं ऐसे, ओके। फिर से क्या है ना, ऐसे कुछ करके तुम्हें ऐसे पैरेलल रेज गिरानी पड़ेंगी इस तरीके से, पैरेलल रेज गिराओगे, ठीक है, इस तरीके से पैरेलल रेज गिरानी पड़ेगी। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज कर जाएंगी, ठीक है, डाइवर्ज कर जाने का मतलब है कुछ ऐसे,
तो जैसे मान लो कुछ ये ना कुछ ऐसे चली जाएगी और ये ना कुछ ऐसे चली जाएगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये हो सकता है कुछ यहाँ पे कहीं मीटअप करें। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये जो फोकल प्लेन होगा ना, ये फोकल प्लेन, ये पूरा एक फोकल प्लेन बन जाएगा, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। और इमेज जो फोकल प्लेन पर बनी है वो कैसी बन रही है? डिमिनिस्ड बन रही है, ठीक है, डिमिनिस्ड बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इस चीज़ को याद रख लेना। सेकेंड पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इज एनी वेयर, इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज एनी वेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी छोड़ के कहीं पर भी है, ठीक है। इस केस के लिए मैं बता रहा हूँ, इमेज जो बनेगी ना, इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बन जाएगी, इमेज इज डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड इमेज बनेगी, तो ये इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे बना ही लो, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ये हमारा एफ हो गया, ये 2F है, मान लो 2F पे ये कहीं पर भी ले लोगे वही बनेगा। और यहाँ से हमने एक ऐसे करके इस तरीके से ये पास कराया, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से एक रे निकाली फोकस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके, इस तरीके से बन गई। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, मैंने गलत बना दिया ना, एग्जैक्टली मुझे ऐसे करके ऐसे कराना पड़ेगा, तो ये हमारा प्राइमरी फोकस हो गया, सेकेंडरी फोकस हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो एक चीज़, इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। देखो, फिर जो सेकेंड रे है ना, वो मैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजारता हूँ, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से गुजार देता हूँ, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ऐसे चली आएगी, लौट आएगी, मतलब ऐसे ही चली जाएगी, सॉरी। तो यहाँ पे कहीं पर क्या बन रहा है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए कितनी छोटी सी इमेज बन रही है, और वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब इमेज तो वर्चुअल है और डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे एक इमेज, एक पॉइंट याद रखना है, फोर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल, अच्छा इरेक्ट भी बनेगी, ओके। यहाँ पे इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर भी इरेक्ट इमेज बन रही है। तो यहाँ पे इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड, किसके लिए, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ लेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंस फॉर्मूला, 1/v वाला जो फॉर्मूला है, उस पर डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये बढ़िया से रिवाइज करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।